किसी और को भी तकलीफ हो सकती है। रोड बंद करने की हमने कॉल नहीं दी है। रोड कोई भी बंद ना करे, वहाँ पे कोई भी दुश्वारी पैदा ना करे। दोनों तरफ जो है यहाँ पे भी जो समय है, रोड बंद नहीं करना है आपने। सबका शुक्रिया जो भी आए यहाँ से आए। हम रास्ते पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि जहाँ वाला उज्जैन में जो भी मुजरिम है उनको पहले की तरह छोड़ा न जाए, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो भी फैमिली आई है उनका भी शुक्रिया, जो भी बच्चे आए हैं उनका भी शुक्रिया। जो भी देखिए, हमारे हुकूमत से मुतालबात ये हैं कि जिन लोगों ने हमारे मुकद्दस मकामात को, हमारे मुकद्दस बाइबल को जलाया, पैरों तले रौंदा गया और इस तरह बेहुरमती गई, तो मैं चाहती हूँ कि क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? पाकिस्तानी है और हमें इंसाफ चाहिए। हम जब भी हम लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि हमारे नौजवान खुदा का खौफ रखते हैं और शुरू से ही हम लोगों को हमारे माँ बाप हमें तरबियत देते हैं कि हम लोग दूसरों के मज़हब की इज्जत करें। बताएं, क्या किसी का भी मज़हब किसी को अलाउ करता है कि उसके चर्च को या उसके टेम्पल को या उसके मस्जिद को, उसकी इबादत गाहों को, जहाँ पर वो खुदावन से या अपने अल्लाह ताला से दुआ करता है, क्या कोई अलाउ आपको कर सकता है कि आप उसके चर्च को या मजहब या इबादत गाह की जगह को आप बर्बाद कर दें? क्या उन लोगों में जरा सा भी जो है रहम या दिल नहीं था? आज हमारा एहतजाज करने का मकसद यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम नहीं जानते कि वो लोग या किस तरह के लोग और क्या कर सकते हैं। देखें, हमारे पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर का रंग है वो ये जाहिर करता है कि पीस और माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है? माइनॉरिटीज लोगों के साथ उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और उनकी कोई तहफ़ नहीं है क्या? हम सेफ नहीं है अपने कंट्री के अंदर? हमें इंसाफ चाहिए। चले, अगर हुकूमत जो है वो दोबारा सब कुछ रिस्टोर कर दे, सब कुछ बना दे, तो क्या आप लोगों के दिलों के अंदर से खौफ निकाल सकते हैं? आप खौफ निकाल सकते हैं? मुझे बताएं, अगर फ्यूचर में ऐसा फिर कुछ हो गया तो फिर? लेकिन गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, वो जो है ना इंसाफ करेगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि सानहा जो है वो जड़ावाला में फैसलाबाद में हुआ है, उसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि जलाओ घेराओ करो और फसादात फैलाओ। हम अम का जो है वो पैगाम देने आए। रशीद है और हम इस वक्त शहर कराची में पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और साथ साथ ये भी साबित कर रहे हैं कि आप हमसे जैसा भी सलूक करें, लेकिन हमारी तालीम मोहब्बत की तालीम है, हमें अमन की तालीम दी गई है। हम जड़ावाला के वाकया की, चर्चेज को जलाने की, मसीह घरों को जलाने की भरपूर मजम्मत करते हैं।